गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल सही आपने नाम सुना, और ये वीडियो लेक्चर उस हर बच्चे के लिए है जिसने लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक को मिस कर दिया है या जो लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक को पहली बार समझने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो मैथमेटिक्स के दो चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सही आपने सुना, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं क्लास 10th के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि जो बातें मैं आपको समझाऊं वो बातें आप बहुत ध्यान से सुने, और अगर आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए बिना टाइम को डिले करें आपको मैं सबसे पहले ये समझाता हूं कि चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर के नाम का मतलब समझ आ गया तो चैप्टर में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं हमारी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एज पर एनसीईआरटी। बिल्कुल सही आपने सुना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10th का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बिल्कुल सही आपने नाम सुना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई रिपीट माई सेंटेंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चैप्टर को समझने से पहले एटलीस्ट आपके पास एक छोटा सा बेसिक होना चाहिए कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाइएस्ट पावर 1 है। आई रिपीट माई सेंटेंस, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 3 और 3 का साथी कौन, x, या फिर हम कह सकते हैं कि x का साथी कौन, 3, तो यहां पे वेरिएबल कौन है, x, x का कोफिशिएंट कौन है, 3, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, जब कुछ नहीं होती तो पावर 1 होती है, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, इसे कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। लेकिन जब किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल के साथ हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं तो लीनियर पॉलीनोमियल में इक्वल का साइन लगते ही, आई रिपीट माय सेंटेंस, लीनियर पॉलीनोमियल में इक्वल का साइन लगते ही वो बन जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो बन जाती है इक्वेशन। क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो आई होप मेरे द्वारा बताए जाने वाली ये बात आपको समझ आ रही है। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि लीनियर पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल है जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, और ऐसे पॉलीनोमियल में इक्वल का साइन लगते ही वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। मतलब कि सर अगर मैं 3x is equal to 2 लिख दूं, या फिर मैं लिखूं 3x is equal to 0, या फिर मैं लिख सकता हूं 3x plus 4 is equal to 0। तो आप गौर फरमाइए, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल है, लेकिन इसमें इक्वल का साइन लग गया, इसलिए क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है और उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर के नाम में लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया। अब वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इस वेरिएबल में, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल के अलावा एक और वेरिएबल नजर आ सकता है। सर एग्जांपल तो दो, फॉर एग्जांपल 3x plus 4y, तो अभी भी लीनियर है। कैसे पता लगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, वेरिएबल है कितने, 2, तो लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है 1, 2 वेरिएबल इसलिए क्योंकि 2 दिख रहे हैं,
इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल का साइन, तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन इन टू वेरिएबल। बिल्कुल सही आपने सुना, एटलीस्ट आपको ये तो समझ आ गया ना कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लेकिन चैप्टर का नाम सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है समझा दिया, पेयर का मतलब क्या होता है आई होप आपको पता होगा, पेयर का मतलब होता है जोड़ी, कोई भी चीज जो जोड़ी में मौजूद है। हम जब सॉक्स पहनते हैं तो पेयर ऑफ सॉक्स, शूज पहनते हैं तो पेयर ऑफ शूज, यानी जोड़ी की फॉर्म में हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर आज के बाद जब भी लीनियर इक्वेशंस को आपको बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा केवल और केवल जोड़ी की फॉर्म में, यानी क्वेश्चन में एक इक्वेशन नहीं आएगी, क्वेश्चन में पूछी जाएगी दो इक्वेशंस और कहा जाएगा कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर वी विल नॉट डील विद एनी वन इक्वेशन, रैदर वी विल डील विद टू इक्वेशंस एट द सेम टाइम। यही वजह है कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में है, इक्वेशन है और ऊपर से लीनियर है और ऊपर से जोड़ी है, इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। तो फिर क्यों ना हम सीधा ये जानने की कोशिश करें कि लीनियर इक्वेशंस की इस जोड़ी को, लीनियर इक्वेशंस के इस पेयर को सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल सही, हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, We are going to understand it today. कि आज हम ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस मेथड्स, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरियस मेथड्स टू सॉल्व, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वेरियस मेथड्स टू सॉल्व, बहुत ध्यान से सुनना, वेरियस मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत सही आप मेरी बात सुन रहे हैं, वेरियस मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी को सॉल्व करने के अनेकों मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। इस वीडियो लेक्चर में सारे मेथड नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन हां इंपॉर्टेंट मेथड जो सबसे पहले आपको सिखाने जा रहा हूं उस पे सुनो, आने वाले अगले वीडियो लेक्चर्स में बाकी के रिमेनिंग मेथड भी आपको जल्दी सिखाऊंगा। तो सबसे पहला मेथड जो हम सीखते हैं, सबसे पहला मेथड जो हम जानते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। बिल्कुल सही आपने सुना, इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। सवाल आता है सर ये ग्राफिकल मेथड है क्या, मैं इसे ग्राफिकल मेथड नहीं कहता हूं, मैं इसे डब्बा मेथड कहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्कूल के एग्जाम में डब्बा मेथड मत लिखाना भाई, ये मैंने आपको समझाया, लेकिन पहले जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय विच मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। क्योंकि क्वेश्चन में नाम इस्तेमाल किया गया है पेयर, तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको दो इक्वेशन जोड़ी की फॉर्म में दिखेंगी, क्योंकि आपको दो इक्वेशन जोड़ी की फॉर्म में दिखेंगी तो कैसे दिखेंगी ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, 2x plus 3y is equal to 6. For example, 3x plus 5y is equal to 15. Equation number 1 and equation number 2. I hope this is very clear to you. यानी ये first equation है, ये second equation है, क्योंकि ये दो equation है, इसलिए ये pair है, और इस pair को हम solve करने जा रहे हैं by graphical method, जिसे मैं कहता हूँ डब्बा method. तो आज के बाद आपको कभी भी कोई भी दो इक्वेशंस की जोड़ी अगर नजर आ जाए और क्वेश्चन में कहा जाए कि निम्नलिखित जोड़ियों को सॉल्व करें बाय ग्राफिकल मेथड, तो मैं कह रहा हूं घबराना मत, टेंशन मत लेना, पे करना पूरी अटेंशन ताकि ना लेनी पड़े आपको कोई टेंशन। बात को ध्यान से सुनना, आने लग जाएगी सफलता की पेंशन। बहुत ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है,
बहुत ध्यान में सुनो, समझा क्या रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का डब्बा बनाओ। एक बच्चा कहता है डब्बा, ये डब्बा क्या होता है? अरे वही तो समझा रहा हूं, सुनो। डब्बा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डब्बे के अंदर आपको तीन खाने बनाने हैं, एक एक्स और एक वाई, और इस तीन खानों में आपको एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू पुट करनी है अपनी मर्जी से। एक बच्चा कहता है अपनी मर्जी से, वो कैसे? आओ, तो मैंने सबसे पहले लिखा सॉल्विंग इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मैंने सबसे पहले कहा लेट y इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो, उसकी वैल्यू जो आप मानोगे उसे पुट कर दो, उसे पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने किसको 0 मान लिया? y को। किसकी वैल्यू पुट करूंगा? y की। तो मैंने लिखा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। मैं कह सकता हूं कि x आया 3 कब? तब जब y था 0, y था 0। ऐसे करते हैं हम, बहुत सारी वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं y की जगह 2 पुट करता हूं तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3 इंटू 2 क्या बन गया? 6 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, x इज इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा x आया 0 कब? तब जब y मैंने क्या लिया? 2। हमें डब्बे में दो वैल्यूज मिल गए, और ढूंढ सकते हैं, और ढूंढ सकते हैं। तो इसके इतने हिस्से को मिटाकर और वैल्यू ढूंढता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, x की जगह 6 पुट करा, तो x की जगह 6 पुट करूंगा, तो 2 6 जा 12 प्लस 3 y इज इक्वल टू 6, तो 12 प्लस 3 y इज इक्वल टू 6, 3y is equal to 6 minus 12, तो y is equal to minus 6 by 3, y comes out to be minus 2, साफ साफ बोलो, y comes out to be minus 2, कब, तब, जब, y आया minus 2, अरे कब? तब जब मैंने x को क्या लिया था? 6, तो x को क्या लिया था? 6, गौर से देखो, पहली इक्वेशन का डब्बा तैयार हो गया, ठीक उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन का डब्बा तैयार करेंगे। आइए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं दूसरी इक्वेशन का भी डब्बा आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने एक्स बनाया, मैंने वाई बनाया, मैंने तीन खाने बनाए। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? डब्बा मेथड। क्या कहते हैं इसे? ग्राफिकल मेथड। आपको डब्बा बनाना सिखा दिया, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर मैं वाई को यहां पर 0 पुट करता हूं, वाई को 0 पुट करता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू 15 बटा 3 आएगा, तो x कम्स आउट टू बी 5। सोच लो, अगर मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब दिमाग में तो कर रहा हूं। एक बच्चे ने पूछा क्या हम ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं? हम ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं, बट कोशिश ये करो कि एग्जामिनर को नजर आ जाए कि आपने क्या किया है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ना करने में कट जाएंगे, बट करने में प्रायोरिटी तो मिल जाएगी ना, तो इसलिए ध्यान से सुनो। मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो यहां 0 पुट करते ही x निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं अगर x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो हमारे पास, अच्छा y तो 3 हमारे पास हो चुका है, अब हम y की वैल्यू और क्या पुट कर सकते हैं? हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं -3। अगर y की वैल्यू मैं -3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू -3 पुट करते ही बन जाएगा -15। -15 वाला की बन जाएगा +15, 15 प्लस 15 बन जाएगा 30, 30 डिवाइड बाय 3 x की वैल्यू आएगी 10। मैं कह रहा हूं आप एक बार गौर से देख लीजिए, और अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक मिनट का साइलेंस देता हूं या 30 सेकंड्स का ब्रेक देता हूं ये कहने के लिए कि एक बार गौर से देख लो, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नजर डाल लो एक बार, आप अपने आप चेक कर लो कि ये जो वैल्यूज मैंने आप लोगों के लिए फाइंड करी है, x की वैल्यू y की वैल्यू दो डब्बे बना लिए, तो आज के बाद कोई भी ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम ही यही है कि हमें डब्बा बनाना है। एक बार हमने डब्बा तैयार कर दिया तो समझो हमारा काम आसान हो गया, बिल्कुल सही। अब डब्बा बनाने के बाद क्या करना है? डब्बा बनाने के बाद हमें डब्बा को प्लॉट करना है ग्राफ पे, तभी तो उसे कहा गया ग्राफिकल मेथड। तो आई होप बाकी लिखी हुई चीजें आपको समझ आ गई है, तो इतना हिस्सा मिटाकर मैं आपके लिए ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा, और मेरी बात को आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए
फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये यहां से शुरू कर रहा हूं और ये ग्राफ मैं अपना यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, ये ग्राफ का ओरिजिन है क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 6 तक जा रही है, इनफैक्ट 10 तक जा रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 इधर -1, -2, -3, -4, -5 इधर मेरे पास 1, इधर मेरे पास 2, इधर मेरे पास 3। y में मैक्स टू मैक्स 3 तक जा रहा है, बिल्कुल सही। -1, -2, -3, -4, -5, -6 पहले ध्यान से सुनो उसके बाद चीजों को समझो, जब समझ आ जाए पहचान लो तो उसके बाद कॉपी में प्रैक्टिस कर लो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो y पे नहीं जाऊंगा, पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, इसकी बात कर रहा हूं। x है 0, y है 2, x है 0, y है 2, x है 0, y है 2। ध्यान से देख लीजिए इस ग्राफ के अंदर आपको जो बातें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोटिस करो एक मिस्टेक हो गई ग्राफ में, अभी अभी नोटिस किया मैंने, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -1, -2, -3 तो ये मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। -1, -2, -3, -4 दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे की वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहां जो मिस्टेक मुझसे हुई थी मैंने उस मिस्टेक को करेक्ट कर दिया तुरंत। तो ध्यान से देखिए, x आया 3, y था 0, x है 0, y है 2, तो x 0, y 2, x है 6, y है -2, x है 6 और y है -2, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अगर मैं तीनों पॉइंट को जोड़ूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अगर मैं तीनों पॉइंट को जोड़ूं। तो ये जो ग्राफ मुझे मिला, ये ग्राफ मुझे मिला है किसका, 2x + 3y = 6 का ग्राफ, 6 का ग्राफ, पहली लाइन किसकी, ग्राफ की, किसकी, इक्वेशन की, कौन सी, पहली इक्वेशन की, बच गई कौन सी, दूसरी, डब्बा किधर, इधर बनाएंगे, किधर, इधर, तो फिर टेंशन क्यों, आइए शुरू करें बनाते हैं। x कितना है 5, y कितना है 0, अगर x है 5 तो ये रहा 5 वाला पॉइंट, ध्यान से देखिए, x है 0, y है 3, x है 0, y है 3, ये रहा दूसरा पॉइंट, x है 10, x है 10, y है -3, तो ये -3, -3, ये देखो देखो ध्यान से, तो ये अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या आप नोटिस कर पा रहे कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, हो सकता है कि आगे जाके मुलाकात कर जाए, हो सकता है कि आगे जाके मुलाकात कर जाए, हो क्या सकता है, करेगी, साफ पता चल रहा है पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब कि जब ये लाइन ऊपर जाएगी तो ये यहां जाएगी और ये दूसरी वाली लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो दूसरी वाली लाइन एक्सटेंड होकर कहीं तो जाके से मिल जाएगी। तो जिस पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कि मैंने टेढ़ा कर दिया क्योंकि ये ग्राफ शीट नहीं है, जब ग्राफ शीट पे करोगे, स्केल से बनाओगे, एक्सटेंड करोगे तो जरूर आंसर ढंग का पाओगे। बोर्ड है, ग्राफ नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन इससे मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं कि नोटिस करो कि दोनों ग्राफ जब हमने बना दिए डब्बा मेथड से तो हमें पता चला कि दोनों की मुलाकात हुई है, जब मुलाकात होती है तो इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जहां पे भी जाके मुलाकात होगी उस मुलाकात के पॉइंट को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सवाल ये आता है कि सर अब तक जो आपने बातें बताई वो मिला क्या, अब तक मैंने आपको जो भी बताया है उससे एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि आज के बाद कोई भी दो इक्वेशंस की जोड़ी अगर आपको दी जाएगी तो आपने कुछ नहीं करना है, उनको घूरो, उनको देखो, उनका डब्बा बनाओ, डब्बा बनाने के बाद उनको ग्राफ पे प्लॉट करो एंड देन ग्राफ को स्टडी करो। एक बच्चा कहता है ग्राफ को स्टडी करो, ग्राफ को क्या स्टडी करना है भाई, ग्राफ तो ग्राफ है, ऐसा नहीं है, हर इक्वेशन की जोड़ी का ग्राफ ऐसा बने ये जरूरी नहीं है। तो चलो फिर जानते हैं
कि अलग 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 इक्वेशंस की ग्राफ को जब आप बनाओगे, अलग अलग इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो किस प्रकार के ग्राफ आपको मिल सकते हैं, तो किस प्रकार के ग्राफ आपको मिल सकते हैं वो आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, यानी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं द टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी कैन ऑब्टेन बाय सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सही आपने हेडिंग सुनी है और उस हेडिंग को मैं यहां पर लिख देता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ ग्राफ, आई रिपीट माय सेंटेंस, टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी कैन ऑब्टेन, टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी कैन ऑब्टेन बाय सॉल्विंग, आई रिपीट माय सेंटेंस, टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हमें मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, सॉल्व करके। एक बच्चा कहता है किसे सॉल्व करना है, मैंने कहा मेरे भाई लीनियर इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक बच्चा कहता है नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। बिल्कुल सही, टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी कैन ऑब्टेन बाय सॉल्विंग अ पेयर, बाय सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन की जोड़ी को सॉल्व करके हमने निम्नलिखित तीन प्रकार के ग्राफ मिल सकते हैं। सबसे पहला ग्राफ कैसा दिखेगा, इस ग्राफ में, आई रिपीट माय सेंटेंस, इस ग्राफ में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इस ग्राफ में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। एक बच्चा कहता है इंटरसेक्ट करेगी मतलब ग्राफ दिखेगा कैसा, आपको बताता हूं ग्राफ कैसा दिखेगा। अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मैंने कहा कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है, तो कोई दूसरी इक्वेशन ऐसी बन सकती है, तो जिस पॉइंट पे इनकी मुलाकात होती है उस पॉइंट को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे इनकी मुलाकात होती है उस पॉइंट को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर ये इक्वेशन वन है तो ये क्या होगी, इक्वेशन टू होगी। तो ये वाला जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और मुलाकात का जो पॉइंट है, मुलाकात का पॉइंट, बिल्कुल सही आपने सुना, इस पॉइंट को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यानी सर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जब दो ग्राफ की इक्वेशन हमें मिल जाती है और दोनों इक्वेशन को हम बना जाते हैं और बनाने के बाद ऐसा ग्राफ हम पाते हैं तो ऐसे ग्राफ की मुलाकात के पॉइंट को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर डिले किस चीज का, आइए जानते हैं। अगला ग्राफ ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में दोनों लाइंस, आप रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। आई रिपीट माय सेंटेंस, इस ग्राफ में दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक बच्चा कहता है पैरेलल होती है तो मुलाकात नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तभी तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, आइए ग्राफ कैसे बनता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक इक्वेशन अगर ऐसी बन रही है तो दूसरी इक्वेशन ऐसी बनेगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि मुलाकात नहीं होती इसलिए इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन वाला ग्राफ। बिल्कुल सही, आइए जानते हैं कि तीसरा ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए इस ग्राफ में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, इस ग्राफ में लाइंस एक दूसरे को, आई रिपीट माय सेंटेंस, एक दूसरे को ओवरलैप करती है, लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती है, और वी कैन से को इंसाइड विद ईच अदर। एक बच्चा कहता है वो कैसे, अभी पता चलेगा कैसे, ये देखो, अगर ये y एक्सिस है और अगर ये x एक्सिस है, तो सपोज करो कि हमारे पास ये पहली लाइन ऐसे बनकर आई तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनकर आएगी, यानी जो मुलाकात के पॉइंट्स होंगे वो अनेकों होंगे। यही रीजन है कि इसे कहते हैं इंफिनिटी। क्या कहते हैं, इंफिनिटी, मैनी।
सॉल्यूशन। बिल्कुल सही आपने सुना। मैं तो आपको चाहूंगा कि आप एक बार बोर्ड पे नजर डाल लें, जो मैंने बातें आपको सिखा दी है, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करें और बोर्ड पे लिखी हुई इस बात को नोट डाउन जरूर करें। एक क्लास टेंथ के स्टूडेंट को जो ये बच्चा चैप्टर पढ़ रहा है उसे ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि जब भी ग्राफ बनाएंगे, जब भी एक लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी को, पेयर को सॉल्व करेंगे तो तीन प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, तीन प्रकार के। और वो तीन प्रकार के ग्राफ जो बन सकते हैं, एक होता है उसमें से यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है उसमें से नो सॉल्यूशन, एक होता है उसमें से इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। किसकी क्या खासियत है? यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ्स की मुलाकात होती है, नो सॉल्यूशन में ग्राफ्स की मुलाकात नहीं होती। ग्राफ मतलब लाइंस, यहां ग्राफ का मतलब एक्स वाई की बात नहीं कर रहा हूं, यहां अगर ग्राफ शब्द बोल रहा हूं तो लाइंस की मुलाकात नहीं हो रही, लाइंस की मुलाकात हो रही है, ऐसी मुलाकात हो रही है कि गले लग गए दूसरे को, ओवरलैप कर लिया। अब जानते हैं बच्चा क्या बोला? एक बच्चा कहता है, अगर मान लो सर कभी क्वेश्चन आया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम ग्राफिकली एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई? ये तो है, इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन को पहचानोगे, डब्बा बनाओगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, लाइंस ड्रॉ करोगे, मुलाकात हो गई तो यूनिक कह दोगे, मुलाकात नहीं हुई तो नो कह दोगे, और गले लग गए तो मैनी सॉल्यूशन कह दोगे। अरे सब इतना कहोगे तो नंबर भी तो पाओगे। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत क्वेश्चन आपसे करवाएगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो एक बच्चे ने कहा, सर कोई शॉर्टकट नहीं है कि बिना इतनी मेहनत करे ही हम आइडेंटिफाई कर लें? है, मैथ्स आपको हर चीज का एक रास्ता और देती है कि चीजों को स्मार्टली आइडेंटिफाई किया सके। तो मैं आपको सिखा रहा हूं सेकेंड मेथड टू आइडेंटिफाई, सेकेंड मेथड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ, सेकेंड मेथड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग द रेशियो। बिल्कुल सही, बाय कंपेयरिंग द रेशियो। आइए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्राफ, आई रिपीट माय सेंटेंस, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको सेकेंड चीज जो सिखाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को सुनो ध्यान से, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। हाउ टू आइडेंटिफाई, मैं दोबारा से सिखा रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ ग्राफ, हाउ टू आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ ग्राफ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। सुनो ध्यान से, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। मैं अपनी बात आपको जो सिखा रहा हूं वो बहुत ध्यान से बता रहा हूं। थ्री पॉसिबिलिटीज, मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है। तीन पॉसिबिलिटीज में पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी एंड तीसरी पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ए वन अपॉन ए टू का रेशो, ए वन अपॉन ए टू का रेशो बी वन अपॉन बी टू के रेशो के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है, एक बच्चा कहता है वो कैसे? आओ, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, फोर एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू, इसका रेशो दो बटा चार आया एक बटा दो, इसका रेशो आया तीन बटा सात, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तब उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, तब उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब बताओ, क्या डब्बा बनाना पड़ा? क्या ग्राफ प्लॉट करना पड़ा? नहीं। इसका मतलब कि बिना कुछ करे सिर्फ रेशो को देखकर हम टाइप ऑफ ग्राफ पता लगा सकते हैं? भाई ये तो सिखा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखो, तो यूनिक सॉल्यूशन में ये रेशो बराबर नहीं होगा। सेकेंड टाइप,
अगर A1 अपॉन A2 का रेशो B1 अपॉन B2 के रेशो और C1 अपॉन C2 के रेशो के बराबर आ जाता है तो इसे कहते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 का रेशो B1 अपॉन B2 के तो बराबर आता है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होता तो इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। मैं आपको जो बात समझा रहा हूं ये सिर्फ ऐसे ही मत समझ लेना, बुक खोलना, क्वेश्चंस करना, परख लेना और देखना कि जो बताया है वही आप बुक में भी पाओगे। इसके बेसिस पे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। मैं तो सजेस्ट करूंगा किसे नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो कि किसी भी ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करना है बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। 3 पॉसिबिलिटी है, पेपर में दोनों तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है तो कर लेंगे आइडेंटिफाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको बता दूं कि अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बता दी है ये बातों में केवल और केवल एक ही टॉपिक फिनिश हुआ है एंड जो टॉपिक फिनिश हुआ है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड और बचे हैं। मेरे अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको जरूर मैं सिखाऊंगा बाकी के मेथड्स जिनकी मदद से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक ही यही है तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो भाई। एनसीईआरटी ओपन करो, एक्सरसाइज 3.1 को अटेम्प्ट करो, 3.2 को भी अटेम्प्ट करो और अपनी टेंशन दूर करो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। और अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं, ये वीडियो लेक्चर आपको लगता है कि बहुत फायदा दे रहा है तो ये फायदा अपने पास छुपा के मत रखो। इस वीडियो लेक्चर को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबका भला करो, लेकिन अपना भला करना मत भूलना। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।